दें, जनपद भदोही विधानसभा ज्ञानपुर 393 से एनडीए गठबंधन निषाद पार्टी से घोषित प्रत्याशी विपुल दुबे की पत्नी ने कहा कि हमें यहां की जनता का पूरा समर्थन मिला और मैं यहां की जनता का आभार व्यक्त करती हूं जिनका मुझे पूरा समर्थन मिला, और कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जनता का लगातार विकास हुआ है और होता रहेगा। यदि विपुल दुबे यहाँ से विधायक बनती हैं तो ज्ञानपुर को एक नया ज्ञानपुर बनाने का काम किया जाएगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाकर ज्ञानपुर विधानसभा 393 में भेजे गए हैं, आप उनकी प्रतिनिधि कर रहे हैं, आप उनकी पत्नी हैं, तो आप जैसे कि जनता के पास जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आपको जनता का कितना जनसमर्थन मिल रहा है? जनता का यहाँ पे बहुत कहना है कि यहाँ पे मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, राशन महीने में 2 बार देते हैं, बहुत सुविधाएँ दी हैं और लोग उससे बहुत खुश भी हैं। वो लोग ये कहते हैं कि मोदी ने बहुत कुछ किया है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। सबका कहना है कि मोदी और योगी ने हमारे यहाँ बहुत कुछ किए हैं और इसी तरह हम सब उनको बनाएंगे, जैसे कि यहाँ का सरकार वो लोग बनाने के लिए तैयार। जैसे कि आप महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, आप स्वयं महिला हैं, तो साइलेंट वोटर कही जाने वाली विधानसभा में महिलाएं होती हैं जिनके जिनका उनका कोई ठिकाना नहीं होता, स्वयं उनके घर वाले ही नहीं जानते कि महिला कहाँ वोट देती हैं, लेकिन तो आपको महिलाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? महिलाओं का भी बहुत समर्थन है, लोग काफ़ी महिला ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमें योगी का साथ बहुत मिल रहा है और हम उन्हीं के पक्ष में हैं, किसी और को वोट नहीं करेंगे। 393 से यहाँ पे गठबंधन एनडीए के गठबंधन ने विपुल दुबे जी को उतारा है 2022 के चुनाव में, तो आप चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे कि जनता का जनसैलाब लगातार बीजेपी और एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ा हुआ है, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो क्या मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? जिस हिसाब से केंद्र और राज्य की सरकार सबका साथ सबके विकास का ख्याल रख रही है, ज्ञानपुर भी परिवर्तन की दिशा में है, वो भी एक भयमुक्त समाज चाह रहा है, इसलिए हम सब गठबंधन की सरकार भारतीय जनता पार्टी और संजय निषाद जी की पार्टी को वोट कर रहे हैं भोजन भरी थाली पे। ज्ञानपुर चल रहा है परिवर्तन की ओर। और जैसे जो हैं विपक्ष दल, उनमें लगातार जातिवाद परिवारवाद की राजनीति चल रही है, आप इस मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं? वो विगत कई वर्षों से चल रहा है, लोग भ्रष्टाचार से ग्रसित हैं, विकास नहीं हो पा रहा है इसी वजह से ज्ञानपुर का। अब ज्ञानपुर को भी विकास चाहिए, इसलिए हम सब माननीय योगी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और यहाँ से अपना युवा प्रत्याशी भाई विपुल दुबे जी को जिता रहे हैं। जैसे कि यहाँ कहा जाता है कि सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं, लेकिन युवा लगातार बेरोजगार है और बेरोजगारी मुद्दा प्रदेश में लगातार चरम सीमा पर है, इसके विषय में क्या कहें? ये तो एक राजनीतिक विषय है, लेकिन जिस हिसाब से आम जनमानस जान रहा है कि जिस तेजी से माननीय योगी जी और मोदी जी विकास कर रहे हैं आराम से, तो निश्चित ही ज्ञानपुर में विकास की गंगा बहनी चाहिए और हम लोग यहाँ से योगी जी के हाथ को मजबूत करेंगे और यहाँ से अपना विधायक चुन के भेजेंगे। जैसे कि